अस्सलाम वालेकुम, फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैर खैरियत से होंगे। और आज है जुम्मा, तो जुम्मे वाले दिन मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं और मैं बिल्कुल थक गई थी, तो इसलिए मैंने ब्लॉग अपना स्टार्ट नहीं कर पाई हूँ। तो अब इस समय बज गए हैं शाम के 3 बज रहे हैं और मैंने अब सोचा है ना कि थोड़ा सा मैं अपना जो ब्लॉग है मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और दोपहर में हम लोग खाना खाए हैं और खाना खाने के बाद मैं सो गई थी और उसके बाद जगी हूँ। तो फिर उसके बाद क्या किया हूँ, थोड़ा सा मैं अपना मेकअप सेकअप की हूँ जगने के बाद और मैं यहाँ आ गई हूँ आपसे बात करने के लिए। और चल रही हूँ मैं आज किचन में, तो किचन में तो मैं रोज रहती हूँ, रोज डेली का डेली। तो आज मैं फिर चल रही हूँ अपने किचन में। अभी मुझे बर्तन क्लीन करना है और जो शाम का मुझे खाना बनाना है मैं क्या बनाऊँगी, अभी मैंने कोई डिसाइड नहीं किया कि मैं शाम को खाना में क्या बनाऊँगी। तो देखती हूँ कि मैं शाम को क्या बनाती हूँ, और क्योंकि मतलब आलू बनाती हूँ या क्या बोलते हैं कुछ और बनाती हूँ, जो बनाऊँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे आप लोग प्लीज़, मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरे चैनल पे आप लोग आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने वीडियो का लिंक मेरे चैनल पे मत छोड़ें, मत दें, क्योंकि इससे सब्सक्राइबर कम होते हैं और आप लोग समझ नहीं रहे हो। और अभी भी आप लोग मेरे वीडियो पे आ रहे हो तो लिंक वगैरह छोड़ दे रहे हो, मतलब कि मत छोड़िए। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें। और क्योंकि मुझे भी दिक्कत होगा, आप लोगों को भी दिक्कत होगा, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे 1 साल हो गए आए हुए और 1 साल हो गए हैं और बहुत मैंने मेहनत की है और यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर आप लोग कुछ ज़्यादा लिंक हो या कमेंट करने से कमेंट करेंगे तो मेरा जो चैनल है वो बंद भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग सोचिए, आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करिए। तो जो भी सपोर्ट करना है मुझे सपोर्ट करिए, मैं भी समझ जाऊँगी। क्योंकि हम मैं यूट्यूब तो आपने जो यूट्यूब स्टूडियो में बराबर देखती हूँ, यूट्यूब स्टूडियो में सब कुछ दिखलाता है, सब्सक्राइबर कितने बड़े हैं, वॉच टाइम कितना है और व्यूज़ कितने हमारे हैं। तो हम लोग इतने पागल नहीं हैं, बहुत हम लोग समझदार हैं और हमको सब किया है, हम लोग समझ जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप लोग जब भी आए मेरे वीडियो देखने, वीडियो के नीचे मैं देखती हूँ मेरा कमेंट रहता है, कमेंट के नीचे कमेंट करते हैं लोग, ये सब बहुत बुरी बात है, ऐसा मत करिए। और चलिए, जो आज का ब्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया है, और चलिए मैं अब इस समय बर्तन साफ़ करूँगी, बर्तन क्लीन करूँगी। और मेरे ब्लॉग के साथ बन रही है, और जो यहाँ पे मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए और आप लोग मेरा लेटेस्ट वीडियो वॉच कर सको। तो बस चलिए लेटेस्ट स्टार्ट करती हूँ और चलिए चलते हैं किचन में। और किचन का जो हाल है ना बहुत बुरा है, क्योंकि मैं सो गई थी और मेरा बेटे जो है खाना वाना खा करके उसी में लेकर प्लेट रख दिए हैं। अभी मैंने वो जो जगह है किचन का मतलब सिंक एरिया वाला बिल्कुल भरा पड़ा है, तो चलिए उसको मैं अब बर्तन को साफ़ करूँगी। और आज हमारे यहाँ बहुत लाइट है, चकाचक लाइट है, और फिर बहुत 4-5 दिनों से दोपहर में लाइट नहीं रहती है, सिर्फ शाम को लाइट आती है, लेकिन आज दोपहर में भी लाइट है। तो चलिए मिलती हूँ, अपने बर्तन क्लीन करूँगी उसके बाद। और जितने भी खाना थे मैंने खाना मतलब निकाल कर प्लेट में रख दिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे अभी नमाज़ पढ़ने, तो अभी नमाज़ पढ़ के जुम्मे का नमाज़ पढ़ के भी घर नहीं आए हैं, उधर के उधरे हैं।
तो बस उनका खाना भी है, तो खाना अगर बचता है ना तो बड़ी बेकार लगता है। मैं चाहती हूँ कि जब हम लोग खाना खाते हैं साथ ही में सब लोग खाना खा लें तो बहुत अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, तो शाम हो गई है और यहाँ पे मैं बोली थी आप लोग से ना कि खाना है, तो खाना देखती हूँ कि मैं शाम में क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड गए थे नमाज़ पढ़ने जुमे की, तो अभी उधर ही थे, तो खाना भी बचा था, रोटी भी थी, दाल भी, चावल भी, करेले की सब्ज़ी भी थी। तो इधर बच्चों ने कहा कि मैक्रोनी बना दीजिए, तो वही मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। और मेरे पास न टमाटर था न धनिया की पत्ती थी, लेकिन फिर भी बच्चों के कहने पर मैंने बना दिया। और वैसे भी मैं बहुत कम बनाती हूँ, जो मैक्रोनी होते हैं या चाउमिन होते हैं तो कभी कभी बना भी देती हूँ बच्चे जब बोलते हैं, तो वही मैं बना रही हूँ। और वहाँ पे मैंने मसाला रेडीमेड मसाला यूज किया है, और बहुत मसाला अच्छा था, टेस्टी था मसाला। और यहाँ पे इसमें मिर्च नहीं थी, तो थोड़ी सी बस 2-3 मैंने मिर्च डाली थी इसमें, प्याज में ही फ्राई कर दिया था मिर्च को। और ये मैंने डाल दिया नमक, और बस सिंपल सा मैक्रोनी तैयार हो गया था। और इसमें मैं डाली थी थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि देखिए ये स्लूपी और मसाला था है ये, और ये थोड़ा सा मैंने डाल दिया है लाल मिर्च, क्योंकि तीखा बिल्कुल भी नहीं था। तो थोड़ा सा चटपटा हम लोग खाते हैं, तो थोड़ा सा मैंने तीखा बनाने के लिए थोड़ा सा लाल मिर्च मैंने डाल दिया है। और बस नमक थोड़ा सा कम था, तो और नमक मैं डाल दूँगी। और ये शाम हो गई है, शाम क्या रात हो गई है, तो बस ये मैं बना दूँगी। और रात में खाना है, और हम लोग जो भी रहता है तो मिलजुल कर खा लेते हैं, और दूध भी रहता है तो बच्चे रात में खा लेंगे, दूध भी पी लेंगे तो हो जाता है। और यहाँ पे रोटियाँ थी, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अंडा बनाऊँगी, मैं ऑमलेट बनाऊँगी, तो ऑमलेट भी बन रहा है। और बस इसको तवे पर उलट पलट कर दूँगी, ऑमलेट रेडी हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। मैं तो अच्छा करने की कोशिश करती हूँ कि अच्छा करूँ। और अगर मेरे चैनल पे जो नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करेंगे, ताकि मेरे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। आप देख सकते हो कि आजकल मेरी बेटी बहुत बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रही है, और ये है प्राइमरी स्कूल का बुक है जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें सब कुछ दिया है, मैथ है, गणित, इसको बोलते हैं गणित, तो वही है। और देखिए पूरा मन लगाकर मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, तो अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात है। ऐसे ही बच्चे अगर पढ़ें तो माँ बाप इतने खुश हो जाएंगे बच्चे लोग को देखकर, क्या बोले। चलिए पहले मेरी बेटी खाएगी मैक्रोनी, उसके बाद पढ़ेगी ना मुन्नी, नहीं तो मैक्रोनी ठंडा हो जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। बाबू ये देखिए मैक्रोनी मेरी बेटी का, ये चल बेटा बाबू मुन्नी।